सुदास अपने वालों प्रबंधक कमेटी ट्रस्ट बोर्ड इसी सभा वालों आप समूह सत्संग इन सारे ही दिहाड़े की लख लख वधाई दिंदा है। कौमां उही जिंदा रहिंदियां हन जो अपना इतिहास अपनी माँ बोली नू कायम रखदियां हन। सो हुण गुरु प्यारे सत्संग जी आपां जो कवि सम्मेलन है उसनों आरंभ करना है। अरदास सब तो पहला बेनती करेगा साढ़े सबका प्रधान ट्रस्ट बोर्ड के मैंबर सरदार सरवण सिंह जी नंदरा कि वह 10 मिनट वास्ते आन के अपनी कविता आप जी सामने पेश करन। परम सत्कार योग गुरु प्यारी सत्संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज अपने रामगढ़िया सिख टेंपल ग्राम स्ट्रीट वालों जो महान योद्धा सिंह बहादुर जसा सिंह का दिन मना रहे हैं, सारे ही टाउनों के जिथे सिख कौम वसदी है सारे ही योद्धा के दिन मना रहे हैं। पिछले हफ्ते कुवंटरी विखे मनाया गया, अज अपने गुरद्वारा साहब विखे सारी साध संगत वालों स्त्री सभा ते रामगढ़िया सारी कौम वालों जो जसा सिंह का डे है उसनों मनाया जा रहा है। आपां बड़े भागां वाले हन जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी दे अमृत पान किते जो योधे सन उन्हां दे विचों महाराज जसा सिंह जो जरनैल जरनैल सन उन्होंने महाराज का खिताब दिता तो उन्होंने सिर पर कलगी भी लाई। उस दे दिहाड़े ते उन्होंने सूरमियां की याद नूं मनाउंदिया होया किसी कवि ने, मैं कोई कवि नहीं है पर मैं थोड़ी बहुत इहदा शरदा रखदा कि दूजियां दा लिखिया आ मैं पढ़ के आप जी नूं आप जी की सेवा में रखा। किसी कवि ने लिखा है उन्होंने सिखा के जोश बारे जो मुसलमाना के राज सन जो सिख तो कौम जी ढेंदियां कलां में जाती थी उदो महाराज जसा सिंह ने सारे उत्साह किया कि आप सारे रल के इस कौम का टाकरा करिए अपना ना उच्चा करिए। सो दे बारे किसी कवि ने दो लाइन लिखिया ने, गुरती खंडिया जी पी के सिंह सूरे, गुरती खंडिया जी पी के सिंह सूरे रेंदे नंग तड़ंगे पै बुकदे सन। वो समा इदा दा सी, इन्हां वीरां ने तेज प्रताप नूं तक अटक जहे दरिया भी अटक रुकदे सन। इन्हां वीरां दे तेज प्रताप नूं तक अटक जहे दरिया भी रुकते सन। तीवड़ियाँ वेख के सिखा दे सीनिया ते सा काबल कंधार दे सुकते सन। इदा दे योधे सन, तीवड़ियाँ वेख के सिखा दे सीनिया ते सा काबल कंधार दे सुकते सन। कलगी धर दे मर्दा सामने आ काले जहे पहलवान भी रुकते सन। कलगी धर दे मर्दा सामने आ काले जहे पहलवान भी रुकते सन, क्योंकि उस समय सारे कट्ठे हो के कोई जात पात नहीं सन, सारे कहिंदे सी कि आपां मुकाबला करना है। उस ते दो लाइनां लिखियां ने, तुरों असीं हाँ इको आए, तुरों असीं हाँ इको आए, अंग भी उस बराबर लाए, पौन पानी ते मिट्टी करके सिर्फ चमड़ी ने रंग बटाए। तुरों असी हाँ इको आए, अंग भी उस बराबर लाए,
पौन पानी ते मिट्टी करके सिर्फ चमड़ी ने रंग बटाए, काले गोरे उच्चे नीवे सबो ने एक माँ दे जाए, माँ जनी ओ धरती माँ, माँ जननी ओ धरती माँ जिसने सब गर्भ हंडाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सांझा सूरज प्यार सुनाए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सांझा सूरज प्यार सुनाए, सांझा सांझा चाननिया राता सांझिया चान रातनिया चाननिया राता विच वेड़िया ठंड वरताए, सांझिया पौना सांझा पानी सांझा दे इना गहने पाए, फिर वंडिया क्यों रोवन रंडिया जिन्ना वंडिया कई पुआड़े पाए, फिर वंडिया क्यों रोवन रंडिया जिन्ना वंडिया कई पुआड़े पाए, सब दी भाषा इको ही भाषा, सब दी भाषा इको ही भाषा, वो भाषा बस प्यार व कहाए, सब दी भाषा इको ही भाषा, वो भाषा बस प्यार कहाए, लिपि बदलिया नुकता बदलिया वो भाषा फिर फर्क ना आए, लिपि बदलिया नुकता बदलिया उस भाषा बिच फर्क ना आए, माँ की व्यवस्था सब इको भावें शब्दी रूप बटाए, माँ की व्यवस्था सब दी इको भावें शब्दी रूप बटाए, दुख विच हाए सुख विच वाह वाह ओ एहसान जा सांझा पाए, जे सारे असी इको से सारे असी नसलों इको फिर नफरत क्यों लत अड़ाए, जे सारे असी नसलों इको फिर नसलत क्यों लत अड़ाए, जेकर सांझा इको भांडा फिर कुम्हार क्यों वंडिया जाए, जे हर एक भांडा इको ही कड़िया फिर कुम्हार क्यों वंडिया जाए, जे हर धर्म इको दा होका जे हर धर्म इको दा होका फिर होका क्यों भुलदा जाए, जे हर धर्म हर रूह दा साई जे हर धर्म हर रूह दा साई फिर क्यों रूह पई कर लावे, धर्म ना मारे धर्म ना मारे धर्म ना साड़े धर्म ता सांझे महल बनाए, धर्म ना मारे धर्म ना साड़े धर्म ता सांझे महल बनाए, फिर क्यों मरदे जिस्म अजाई मैनू ए मैनू हुण समझ ना आए, क्यों फिर क्यों मरदे जिस्म अजाई ए मैनू हुण समझ ना आए, खून चाहे जिदा मर्जी डुले हरदा खून एक सांझ बखाए, खून न चिट्टा खून न काला लाल खून बस डुलदा जाए, हाँ लाल खून बस डुलदा जाए, ये उस समय का एकता अतफाक जिस वेले महाराज जसा सिंह ने सारिया नू कट्ठे करके कोई जात पात नहीं सी कोई कुछ नहीं सी ज सारिया सांझा सन उस बारे एक कवि की एक रचना सी, बहादुरी ते बहादुरी नू अते खालसा दल दे बारे कुछ कवि दियां कुछ दो लाइना ने मैं आप जी दे सामने रखदा हाँ, वो सिखां दी बहादुरी नू ते कुरबानी नू देख के किसे कवि ने दो लाइना लिखियां ने, लंगर खाण नू ना मंदर रहण नू ना वासा किकरां कंडियां झाड़ियां दा, लंगर खाण नू ना मंदर रहण नू ना वासा किकरां कंडियां झाड़ियां दा, साग पात पेंजू डेले बेर खा के मन तोड़िया वड्डे अनाड़ियां दा, खाण पीण नू कुछ नहीं सी उन्हां समयां दे विच जंगलां दे विच बह के जिहड़ियां चीज़ां खादियां वो आप जी दे सामने रखियां ने, साग पात पेंजू डेले बेर खा के
मान तोड़िया वड्डे अनाड़ियां दा सुन के टाप इन्हां दे घोड़ियां दी सीना जामदा कंब पहाड़ियां दा सुन के टाप इन्हां दे घोड़ियां दी सीना जामदा कंब पहाड़ियां दा अपना शीश कटवाउण पिया भावें अदब रख्या देश ते दाड़ियां दा अपना शीश कटवाउणा पिया भावें अदब रखिया किसां दे दाड़ियां दा चुल्हे सबर दा ऐसा तूफान बन के मोढ़ों जुल्म वाला बूटा पुट दिता सदियां तक आनंद जी निकलिया ना खारे खूह दे विच सदा लई सुट दिता। इह सी किसे कवि दा कुछ अपने दिल दा वलवला जो आप जी दे सामने रखिया है। पिछले हफ्ते जो 5 तरीक सी अपने जसा सिंह का सही दिन जड़ा सी उस दिन मैं सही गुरु घर दे विच कविता पढ़ी सी पर वो टाइम बहुत हो चुका सी संगत जा चुकी सी तकरीबन तो मैं दास नूं टाइम उदो बाद च मिलिया। उस दे बारे वो ही लग कविता है मैं आप जी दे सामने पेश करता हाँ। सूर भी वो 18वीं सदी का सूर भी वो सदी 18वीं का नौजवान सी वो बलवान योधा उहदे मुख ते लालियां डुलदियां सी शाना नाल रखदा मान ते तान योधा उहदे नैणां विच बिजलियां कहदियां दुश्मन आख दे पक्की चट्टान योधा अरशां ती को लै गया चाढ़ के ते सिखी वालड़ी आन ते शान योधा उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी बली बलवान योधा। इस तों अगला बंदा है सच्चा पोत ओ गुरु गोबिंद सिंह दा सच्चा पोत ओ गुरु गोबिंद सिंह दा छोटी उम्र अंदर अमृत पान कीता उम्र पारे उस पाठां दा जाप कीता मन दा इस तरह कल्याण कीता नाल लै के उन्हें मरहट्टियां नूं अपने हेठ सी मुगल पठान कीता अहमद शाह अब्दाली नूं भांज पाई पार अटक तों उस अफगान कीता वह भी आखदा पिया पकार के ते असां वेख्या बड़ा महान योधा उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी बली बलवान योधा। वह भी आखदा पिया सी पकार के ते असीं वेख्या बड़ा महान योधा उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी बली बलवान योधा। किसे सी हिंदू ने आन फरियाद की मेरिया लटकिया मुसलमान लै गए मेरी इज्जत लुट के ते मेरी आबरू वाला जहान लै गए मैं हाँ लाश वांगू इस जग उत्ते मेरी कढ के ओ तां जान लै गए मैं गरीब ते बेसहारा रह गया हाँ मेरी आन लै गए मेरी शान लै गए। उसने गुंडिया के टोटे कर दिते टुटिया उन्होंने लै कृपान योधा तो उसने गुंडिया के टोटे कर दिते टुटिया उन्होंने लै कृपान योधा कुड़िया उस कराइया आजाद सभे महाबली सी बली बलवान योधा। उस समय की वो बनतर है महाराजा जसा सिंह ने जो अपने कार्रवाइया कीतियां वो अज तक दुनिया से है वो सारे देखते हैं उसके बारे कोई बंद है। उस समय की बंतर है राम रौनी रामगढ़ का किला जा दियो दी रामगढ़िया का उच्चा नाम कर दी जिहड़ी इस बनाई बनिया दियो दी अमृतसर के शहर में सोभदा है दुनिया देम दी सदा ही दाद ओदी किदा वैरियां नूं नीवा रखने नवी कांड से नवी विचार ओदी बड़ा समझदार ते किदा वैरियां नूं नीवा रखना है नवी कांड से नवी विचार ओदी लगदी चोट ते जदों नगारियां ते जिंदा सी कुंभा समान योधा उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी बली बलवान योधा। रहिंदा नित सी चढ़दी कला अंदर रहिंदा नित सी चढ़ चढ़दी कला अंदर
सिरजनहार नूं सदा ध्यामदा सी। सिखी जज्बिआं विच भरपूर रह के उह दातार दा शुकर मनावदा सी। तरन तारन सरोवर दी करे सेवा हजूर साहब किधरे आप जामदा सी। दसवें पिता दे अंतम स्थान ताईं उह शिंगार दा प्याते बनावदा सी। गुरसिखी दा उस नाम कीता नेक कमां तों जाय कुरबान योधा। उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी महाबलवान योधा। अखीरला बंदा है उहदी याद नूं अमर बनावने लई संगतां खूब ने कट्ठियां हो रहियां। खेडां विच दे नाम ते हो रहियां उहदी याद दी माला परो रहियां। चमक रिहा ए सूरज तरक्कियां दा पहली किरन दी शो उह लै रहियां। उहदी वाशना खिड़ी जहान उत्ते जदां उहदियां छड खुशबो रहियां। सिखी थान उस ते बरकरार रखी सिख कौम दा उही महान योधा। उहदे डौलियां अंदर ताकतां सी महाबली सी महाबलवान योधा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध सिंह जीओ हुण दास बेनती करता है कि साढ़े पास डॉक्टर अवतार सिंह जी जो कि आप जी ने सिख चैनल पर उन्होंने देखते हो प्रोग्राम के बारे उन्होंने आप जी ने अपने विचार सारे दसने हैं। परम सत्कारयोग गुरु खालसा जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी एक ऐसे महान योधे का 300 साल मना रहे हैं जिहदे करके अज जो सिख इतिहास दिखाई देता है वो दिखाई इस तरीके नाल देता है। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिर्फ योधा ही नहीं सी वो एक बहुत बड़ा विद्वान सी। प्यो दादे तो परिवार गुरु घर दे नाल जुड़िया होया सी। उना दे बाबा भाई हरदास सिंह जी जिहड़े आनंदपुर साहब दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी शरण दे विच बड़ा लंबा समा रहे बहुत घट लोगों नूं पता है ते बहुत घट गल कीती है। भाई मनी सिंह जी दे नाल रल के श्री गुरु ग्रंथ साहब ते सिख सेंचियां दे उतारे करन दी जिम्मेवारी भाई हरदास सिंह दी सी। गुरबाणी दे बहुत बड़े व्याख्याकार सन व्याकरण दे माहर सन बहुत बड़े विद्वान सन ते उहदे नाल नाल योधे इहो जे सन कि जिस वेले 1708 नूं दसवें पातशाह ने ज्योति जोत समाउण समय बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कौम दा जरनैल थाप के पंजाब दे विच जालम राज नूं खत्म करन वास्ते भेजिया ते उहदे नाल एक मुखी दे तौर दे उत्ते लड़ाइयां लड़दे बजवाड़े दी लड़ाई दे विच लड़दे हुए मैदाने जंग दे विच शहीद होए सन। भाई हरदास सिंह जी उहनां दे पुत्र ज्ञानी भगवान सिंह भाई हरदास सिंह जी सुर सिंह दे रहण वाले ने अमृतसर जिले च पिंड है सुर सिंह यह भाई विधी चंद का पिंड है उत्थे दे रहण वाले ने ते उस वेले फिर बंदा सिंह बहादुर दे राज दी खात्मे तो बाद शहादत तो बाद जदों सिखां दे सिरां दा मुल पैण लगा ते पिता ज्ञानी भगवान सिंह जी सुर सिंह नूं छड के लाहौर तो 12 मील दूर ईशोगल पिंड जा वसे सन ते उस पिंड दे विच ईशोगल पिंड दे विच अज तो 300 साल पहला 5 मई 1723 नूं महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िए दा जन्म हुंदा है। बेशक गुरमत दे विच गोत जात दी कोई महानता नहीं पर आप जी दी जानकारी वास्ते भाई हरदास सिंह जी सगू गोत नाल संबंध रखते सन। इन्हों का जन्म समय गोत सगू सी। बेशक दसवें पातशाह ने यह गल कह दिती सी जिन की जात गोत कुल नाही सरदारी ना भई किदाही इन्हीं को सरदार बनाऊं राज करन की रीत सिखाऊं। ज्ञानी भगवान सिंह दे घर दे विच 5 मई 1723 नूं बालक का जन्म हुंदा जस्सा सिंह। चार होर भरा ने 5 भरा ने कुल ते भाई ज्ञानी भगवान सिंह जी वो भी बड़े विद्वान ने अपने पिता की तरह गुरबाणी के व्याख्याकार ने
ਸੈਂਚੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, 1743 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1739 ਨੂੰ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਨ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ, ਤਕੜੇ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਸਨ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। 1732 ਤੋਂ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 12 ਮਿਸਲਾਂ 12 ਜਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ 1745 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਰੌਣੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1739 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਟੈਕਸ ਖਰਾਜ ਭਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਜ ਲਿਖ ਦੀਆ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਠ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੂਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਭੂਰਾ
उपर लैण नूं तो समझदा मैनूं शहनशाहत मिल गई है, बहुत अमीर हो गया मैं, इन्हें हुंदियां होया इन्नियां तंगियां तुरशें 80-80 रुपए सिर दा मुल पैंदा है, ते ओह कहिंदे ने हम राखत पातशाही दावा। हमरे सतगुर राज लिख दिया, जिहड़ी वड्डी गल है, जिहड़ा उन्हां दा उस वेले दे जरनैलां दा सरदारां दा अपने सतगुरु ते भरोसा सी, उहनूं अखों ओले नहीं कीता जा सकदा ते घटा के नहीं वेख्या जा सकदा। जदों मीर जकरिया खां तो बाद मीर मनू लाहौर दे उत्ते काबज होया, लाहौर दा सूबेदार बनया, जुल्म करना शुरू किया, अपनी ताकत बधाउण लगा, तो जलंधर दा सूबेदार अदीना बेग, इतिहास ने इहनूं भी तोड़ मरोड़ के पेश किया, मैं इतिहास का विद्यार्थी होण करके मेरी ड्यूटी बनती है कि तुहाडे नाल सांझ पावां जो मैनूं समझ आई है। अदीना बेग मीर मनू नूं चैलेंज करन दे लई, अपनी ताकत बधाउण दे लई जस्सा सिंह नूं पहुँच करदा है। जस्सा सिंह अपने नाल अपने लड़ाकियां नूं लै के इहदे नाल रल जांदा ते उहदा अदीना बेग दा फौजदार बन जांदा है। राम रौणी बन गई है, जलंधर दे विच शिफ्ट हो जांदे है, ते जदों उस वेले 1748 दे विच जिहड़ा मीर मनू है वह फैसला करता कि इन्हां दा किला ढा देना है, जिहड़ा इन्हां दी ताकत दा सिंबल है ना इक, वह ढा देना है। अदीना बेग नूं नाल लै के राम रौणी नूं घेरा पा लेंदे ने, ते जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिहड़ा उस वेले तक रामगढ़िया नहीं बनिया अजे, ध्यान दिओ, जस्सा सिंह ईशोगिलिया किया जांदा उहनूं, जस्सा सिंह ईशोगिलिया, दो ने जस्सा सिंह, एक जस्सा सिंह कलाल, एक जस्सा सिंह ईशोगिलिया, जात नाल भी संबोधन किया इतिहासकारां ने। वह जदों इन्हां नूं नाल लै के राम रौणी नूं घेरा पाउंदे है, चार महीने घेरा पिया रहिंदा है, छोटा जी हवेली है, किन्ना कु ताकत होएगी अंदर, जदों अंदर ताकत खत्म हो जाती है, फैसला करते हैं कि अज रात नूं किला छड के दौड़ जाना है, राम रौणी छड के भज जाना है, किला खाली कर देना है। जस्सा सिंह नूं पता लगता जदों बाहर खबर मिलती है कि सिंघा ने यह फैसला किया है, वह स्नेहा भेज के रात नूं अपने साथियों नूं नाल लै के राम रौणी विच चले जाते हैं, तो जाके वो राम रौणी की सारी जिहड़ी उहदी प्रोटैक्शन है उहदी जिम्मेवारी अपने सिर ते लै लैंदे है, क्योंकि इन्हां ने बनाया हुंदा, इन्हां नूं पता हुंदा है कित्थे की है। तो नाल ही मीर मनू नूं दीवान कौड़ा मल राही पहुँच करके घेरा चुकवा दिंदे है, तो फिर फैसला करदे है राम रौणी नाल साडा गुजारा नहीं होना, हुण सानूं इह किला पक्का करना पैणा तां कि ढाउणा औखा हो जाए। फिर जस्सा सिंह ईशोगिलिया अपने साथियों नूं लै के पक्के किले की तामीर करता है, तो उहदा नां रखता है रामगढ़, तो उस रामगढ़ किले का फौजदार होने के तौर के उत्ते जस्सा सिंह ईशोवालिया कहाया, जस्सा सिंह रामगढ़िया। तो जिहड़ी इहदा जथा है उहदी जिहड़ी मिसल है वह मिसल भी कहाई रामगढ़िया मिसल। मेरा एक फर्ज़ है धर्म का विद्यार्थी होने के नाते यह गल जरूर तुहाडे नाल सांझी करां, तो मैं तुहाडे तों आस रखदा कि तुसीं मेरी गल स्वीकार करोगे। रामगढ़िया जात नहीं है, जित तक सवाल जात दा है उस वेले दे सरदार अपना गोत नहीं वरतदे सन। मैनूं कई ने कहा है कि सानूं नहीं पता सी जस्सा सिंह रामगढ़िया सग्गू परिवार च पैदा होया सी, तुहानूं इह भी नहीं पता कि हरी सिंह नलुआ उपल सी, जस्सा सिंह आलूवालिया कलाल सी, बघेल सिंह करोड़ सिंह या कुछ होर सी, कन्हैया मिसल वाला कुछ होर सी, कपूर सिंह कुछ होर सी, कदे उन्हां सरदारां ने अपने नावां दे नाल गोत नहीं वरते, किसी ने भी नहीं वरते। उहदा कारण यह सी कि गोत राही सानू जात का पता लगता है। आप सारे पंजाब तो आने वाले पुराने लोग आप जानते हैं, आपां नूं कोई गोत दसदा ना आप झट एकदम गोत बाद ध्यान च आउंदा, उहदी जात पहलां ध्यान च आ जांदी है, फलाना है। इस करके गुरु नानक दे धर्म नूं मनण वाले लोग जात पात विश्वास नहीं रखते। जाणो जोत ना पुछो जाति, अगे जात ना है, जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा, गुरबाणी मूर्ख आखदी है। तो यह सरदार उस वेले
गुरमत दे विच इन्ने परपक है, खाण नूं नहीं मिलदा कुछ, अज वाले सुख आराम नहीं हैगे, अज तो बहुत कुछ है साडे कोल, फिर भी पता नहीं क्यों साडे च मतलब इस तरीके नाल वो परपक्ता नहीं रही। जस्सा सिंह रामगढ़ की उसारी करता है तो रामगढ़ किला बना के रामगढ़िया कहाउंदा है। फिर अपने अपना इलाका मलण दा राज कायम करन दी दौड़ शुरू हुंदी है। रामगढ़िए सरदार दा इलाका रावी ते ब्यास दे विचकारला इलाका है, खास तौर ते ते श्री हरगोबिंदपुरा उन्हां दी राजधानी है। ते उत्थों फिर यह क्योंकि बाकी मिसलां नाल लड़ाई बचाउण दे लई पहाड़ां वल नूं रुख करदे ने, कांगड़ा जम्मू सारे इलाके सर कर लेंदे ने। जे किते पहाड़ां दे विच सिख हकूमत कायम करन दी रवायत पैदा कीती है तो वह जस्सा सिंह रामगढ़िए ने की है। बड़े बड़िया हनेरियां चल दिया ने इस समय दे विच। 1762 का बड़ा घल्लूघारा आउंदा है जिहदे विच 2/3 खालसा एक दिन दे विच शहीद हुंदा है, 30,000 एक दिन दे विच अहमद शाह अब्दाली ते जैन खां जिहड़ा सूबा सरहंद है उहदियां फौजां एक दिन दे विच कतल कर दियां ने। जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, चढ़त सिंह शुकर चक्किया, ये तीन सरदार वड्डे घल्लूघारे दे विच उस बच्चियां बुढ़िया ते लड़ाकुआं की अगवाई करते हैं। जदों बहुत गह गच लड़ाई हुई, कहिंदे ने कि लौडे वेले तक जस्सा सिंह आलूवालिए दे इन्ने जख्म लग गए कि इन्ना खून वग गया कि उन्हें ढाल होण की हालत में पहुँच गया, तो घोड़ा भजा के रामगढ़िया सरदार जांदा है, तुसी दल खालसा दे आगू हो, तुहाडा जिउंदे रहना बहुत जरूरी है, तुसी सुरक्षित थां ते चले जाओ, इस मैदान दे विच शहादत असीं देंगे। आलूवालिया सरदार ये कहिंदा है जे मैं मैदान तो बाहर चल गया दुश्मन सोचूगा सिखां दा जरनैल जख्मां दी ताब नहीं झल सकिया, दौड़ गया मैदान दे विचों, मैं मैदान दे विचों बाहर नहीं जाना, मैं मैदान दे विच ही लड़ांगा। ते जस्सा सिंह रामगढ़िया अपने जथेदार नूं जबरदस्ती मैदान चों बाहर नहीं भेज सकिया, पर उहदी प्रोटैक्शन लई मोहरे हो के शाम तक लड़दा रहा तां कि दल खालसा दा जिहड़ा जथेदार है उहदी जान नूं किसे किस्म दा खतरा ना पैदा हो जाए। होर बड़ियां मुहिमां होईयां, बहुत कुछ होया, कली कली गल करनी लगा तो बहुत समा चाहिए है। फिर मिसलां दी आपस दे विच अणबण होई, लड़ाइयां होईयां, कदे कन्हैया मिसल ने जम्मू ते हमला किया, कदे दूजिया ने रल के इन्हां ते हमला किया। जदों हालत बहुत खराब हो गए फिर जस्सा सिंह रामगढ़िया भरा मारू जंग नूं काबू च करन दे लई उहदा हिस्सा ना बनन दे लई दिल्ली वल रुख करदा है। हरियाणा, थोड़ा जिहा राजस्थान, यूपी, दिल्ली तो परे तक भरतपुर तक के इलाके ने जिहड़े वह जस्सा सिंह रामगढ़िया के घोड़े दियां ताबां थले कुचले जाते हैं ते अपनी राजधानी बनाउंदा हिसार। हरियाणे च जदों नवीं राजधानी कायम करदा, हिसार दे विच राजधानी कायम करदा ते उत्थे खालसा राज दा स्वाद लोकां नूं दिंदा है। एक घटना का जिक्र शायद इन्हां ने कीता कविता दे विच, पर हिसार च रहिंदिया ब्राह्मण आ के कहिंदा है कि मेरियां दो धीआं नूं फलाना हाकम चक के लै गया है, ते रामगढ़िया सरदार उस वेले अपने साथियों नूं नाल लै के वह मुगल नूं सज़ा दे के उहदियां लड़कियां छुड़ा के उहदे घर लै के जांदा है। ब्राह्मण कहिंदा मैं नहीं रखणियां, ये पिट गईयां ने, ये काफरां दे कोल रह आईयां ने, ये मुगल दे कोल रह के आईयां, मेरे घर च रहण दे योग नहीं रहीयां। ते जस्सा सिंह आखदा है ये मेरियां धीआं ने, अज तों बाद तूं अपने घर रखना कि सिर कलम करवाउणा है। ये सी जस्सा सिंह रामगढ़िया। फिर समा आया 1783 का, दल खालसा फैसला करता है कि बथेरिया निक्कियां निक्कियां मुहिमां कर लईयां, एक बार दिल्ली मार ली जाए। करोड़ सिंह या मिसल का जथेदार बघेल सिंह की जिम्मेवारी लगती है दिल्ली की मुहिम की स्कीम बनाने के लिए। वह 30,000 फौज लैके दिल्ली के बार बार अपना कैंप बना लैंदा, टिकाणा कर लैंदा। अज दिल्ली दे विच जिहड़ा 30,000 इलाका है, जिन्ना भी वह सारे का सारा वह इलाका है जिथे सरदार बघेल सिंह की खालसा फौज बैठी सी। उत्थे एक जगह है दिल्ली दे विच मोरी गेट, जे तुहानू किसे नूं ध्यान च होवे तां
दिल्ली के आस पास एक कंध हुंदी सी कीती हुई उन्हां दिनां च कंध दे बाहर जाके यह कैंप लाउंदा है ते उत्थे कंध दे विच मोरी करदा है। उस कंध दी जिहड़ी मोरी है गेट पता नहीं कदों बाद दे विच लगा है उस कंध दे विच कीता होया जिहड़ा शेक है उहदे करके वह मोरी गेट इलाका अखवाउंदा है। आलूवालिया सरदार अपनी 10,000 फौज लैके जिथे आ सब्ज मंडी है उत्थे बैठदा है। रामगढ़िया सरदार अपने नाल यूपी के इलाके च मारा मारदा जदों पता लगता है खालसा दिल्ली दे विच आ गया तो 7,000 फौज लैके इन्हां नाल आ रलदा 10 मार्च 1783 नूं 10 मार्च 1783 नूं रलदा है ते 11 मार्च 1783 नूं खालसा फौज दिल्ली दे विच तक शामिल हो के जिहड़ा शाह आलम दूसरा है जिहड़ा उस वेले राजा उत्थे दा शाह आलम उहनूं अपने अधीन कर लैंदे है ते लाल किले ते केसरी निशान साहब लहरा देंदे ने। ओ दिल्ली जिथों खालसे नूं खत्म करन वास्ते हुक्म जारी हुंदे रहे ओ दिल्ली जिथे गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद करन दा हुक्म जारी हुंदा रहा ओ दिल्ली जिथे गुरु तेग बहादुर महाराज ते बाकी दे सिखां नूं शहीद करन दा हुक्म जारी हुंदा रहा उस दिल्ली दे ओ जिहड़ा उत्थे दी शक्ति दा गढ़ आ लाल किला उत्ते केसरी निशान चुला देंदे ने ते फिर जेतू हो के दिल्ली के बाजारों च फतेह मार्च करते हैं। एक कौम की चढ़ती कला के प्रतीक का हवाला मैं तुहानू देण लगा है। 1716 नूं बंदा बहादुर ते उहदे साथियों गुरदास नंगल की कच्ची हवेली चों कैद करके बहुत मजाकिया तरीके ना उन्हां नूं बन के लिजा के दिल्ली के बाजारों में उन्हां दा जलूस कढ़िया सी दे दिल्ली दे वासियां नूं आख्या सी कि इन्हां उत्ते थुको इन्हां उत्ते जुत्तियां सुट्टो वो बजे हुए शेरां दी तरह पिंजरियां विच बंद वो सारा कुछ सहिंदे रहे। ये तीनों सरदार फैसला करदे ने उन्हां बाजारां दे विच दिल्ली दियां उन्हां गलियां दे विच जिन्हां ने साडे बजुर्गां नूं कैद हो के कैदियां दे रूप च निकलदा वेख्या सी अज खालसाई जलाओ दा प्रगटावा असीं उन्हां बाजारां विच करांगे जिन्हां बाजारां विच बंदा सिंह बहादुर ते उहदे साथियां उत्ते जुत्तियां सुट्टियां जांदियां सन उन्हां बाजारां दे विच इन्हां तिन्हां सरदारां ते इन्हां दीआं फौजां दे उत्ते फुल्लां दी वरखा हो रही सी। इह खालसाई जलाओ सी उस वेले दा जदों वापस लाल किले विच आउंदे ने बेशक जस्सा सिंह आलूवालिया नूं सुल्तान अल कौम दा दर्जा पंथ ने दिता होया है आलूवालिया सरदार दे साथियों दा यह दावा सी क्योंकि असी तो पहले दिल्लियों पार तक मुहिम सर करदे आए हां इत्थे साडा हक बनदा है जदों सहमति ना बनी तो शाह आलम नूं अपनी ईन मना के अपनियां शर्तां तहत बघेल सिंह नूं दिल्ली दे विच बिठाल के पुरातन इतिहासक गुरद्वारियां दी निशानदेही करके इमारतां उसारन दे लई सेवा संभाल दे लई जस्सा सिंह आलूवालिया शाह आलम दूसरे नूं ईन मना के अपने फौज लैके वापस आ जांदा है। रामगढ़िया सरदार क्योंकि इहदा इलाका हो यह ध्यान देने वाली गल है यह दिल्लियों पार तक जाता है शाह आलम पासों जिहड़ा नजराना वसूलिया जाता है लड़ाई का खर्चा वसूलिया जाता है वह रामगढ़िया सरदार वसूलदा है उहदे पासों नजराना लैके उहदे कोलों हाथी घोड़े लैके बंदूकां लैके उस तख्ते तउस दी सिर वह तख्ते तउस नहीं है जिहड़ा रामगढ़िया बुंगा च पिया भुलेखा ना लगे कि तख्ते तउस असीं कही जाने तख्ते तउस मोर दी शकल दी बनी हुई एक कुर्सी सी उस बड़े हीरे मोती लगे हुए सन वह तख्ते तउस के थले एक पत्थर है वन पीस सैल है पत्थर की वह पत्थर की सैल जिहड़ा उन्हां दा विश्वास सीगा कि इहदे उत्ते बैठ के ही फैसले किए जाते हैं वह रामगढ़िया सरदार पहला हाथी दे पिछे बनता है फिर घोड़ियां दे पिछे बनता है फिर वह सोचता नहीं ये तो सत्कार देने वाली गल है हाथी दे मगर बन के लैके जानी उन्हूं झोटियां दे पिछे बन के दिल्ली तो लैके अमृतसर तक गुरु रामदास परिक्रमा तक धू के लैके आउंदे ने ते लिया के रामदास परिक्रमा दे बाहर हरिमंदर साहब दे बाहर परिक्रमा च एंटर करन जगह दे उत्ते वह रख देंदे ने समुचे पंथ नूं बचन कर दिता जाता है जिहड़ा भी सिख मथा टेकन गुरु रामदास दे दरबार दे विच आवे इस सिर नूं ठोकर मार के आवे छोटी गल नहीं है। कौमां दे अंदर
चढ़दी कला लैके आने वास्ते ये चीज़ा बहुत महत्व रखदियाँ, बहुत अहम होंदियां ने ये गल्लां। ये तो कारण साइकोलॉजिकली इहदा भाव यह सी कि वो सैल वो सिंबल जेते बैठ के खालसा पंथ गुरु साहबां दे खिलाफ हुक्मनामे जारी हुंदे रहे अज पंथ दे पैरां विच रुलदा है। बस वो दुनिया दियां बादशाहियां खालसे दे पैरां विच रुलदियां ने। जिस वेले दिल्ली दे विच छड़ के आए सन दिल्ली, तो पुरातन सिंह कहिंदे हुंदे सन उदों सिंघां ने कहा सी दिल्ली मारी जां बिल्ली मारी की फर्क पैंदा है, जदों जी करूगा फिर आके लुट लांगे, असी भरा मारू जंग नहीं करनी, असी वापस आ जाना है। वापस आ जाते 1783 दे विच ही जस्सा सिंह आलूवालिया चलाना कर जांदा है, चढ़ाई कर जांदा है। उस तो बाद मिसलां बहुत सारा आप हुदरियां हो के आपस दे विच बड़ियां जंगां करदियां ने। जय सिंह कन्हैया किसी समय रामगढ़िया सरदार दे नाल रल के मुहिमां ते जांदा है, ते इत्थे ओ भंगियां दे नाल रल के जस्सा सिंह रामगढ़िया दे विरोध विच हो के इन्हां दे नाल विरोध विच खड़ जांदा है। शुकर चकिया मिसल दा महा सिंह जिहड़ा रणजीत सिंह दा पिता सी ओ जम्मू ते कब्जा कर लैंदा है। इहो जिहियां बहुत सारियां आप हुदरियां हुंदियां। फिर उस समें दे विच 1796 च फिर अहमद शाह अब्दाली दा पोतरा शाह जमान अमृतसर ते हमला करन वास्ते आउंदा है। ये घटना बहुत जिक्रयोग है। पंथ फैसला करता है कि आपस में बहुत लड़ लिया है, हुण सांझे तौर पर सांझे दुश्मन का टाकरा करना है। उसे आलूवालिया सरदार है नहीं, वह चलाना कर चुका है, तो उस वेले जिन्ने सरदार कायम ने उन्हां सारिआं विचों सियाणा बजुर्ग तजर्बेकार रामगढ़िया सरदार है, तो 1796 वाली अमृतसर दे बाहर शाह जमान दे नाल लड़ाई दे विच जस्सा सिंह रामगढ़िया खालसा पंथ की समुचे खालसा पंथ की अगवाई करता है। आपस दे विच बड़ा झगड़ा चलता है, बड़े कतल हुंदे ने। कन्हैया मिसल दा गुरबख्श सिंह इन्हां दे हत्थों मारिया जाता है। आपस दे विच बड़ा हुंदा है, पर उसके बावजूद भी जदों पंथक तौर पर एक सांझी मुहिम आउंदी है फिर आपस दे विच किवें इकट्ठे हुंदे ने। जदों भी सरबत खालसा अकाल तख्त साहब ते बैठदा है सारे सरदार बैठ जाते हैं उत्थे, उस वेले जिहड़े बजुर्ग आगूआं ने जो फैसला कर दिता है सारे सिर निवा के चले जाते रहे। जो तक सवाल जस्सा से अज गल जस्सा सिंह रामगढ़िया ते केंद्रित कर रहे हैं, आपां मैं दो चार मिनट ही गल खत्म कर देनी है, मैं समअप कर रहा इस वेले। जस्सा सिंह रामगढ़िया बहुत ताकतवर होने के बावजूद सब तो ज़्यादा इलाका उहदे कोल है, सब तो अमीर मिसल है, सब तो ज़्यादा तजर्बेकार ते असर रसूख वाला जस्सा सिंह रामगढ़िया है। उसके बावजूद भी जदों भी दल खालसा सरबत खालसा दे रूप दे विच अकाल तख्त ते आ के मिलदा है उत्थे दे कीते होए फैसले दे सामने अपना सिर झुका दिंदा है। जदों आपस में मार धाड़ पई है ना, एक बारी सामणी मुहिम दे विच जस्सा सिंह रामगढ़िया दे भरा आली सिंह ने जस्सा सिंह आलूवालिया नूं कैद कर लिया। देखो तुसी जस्सा सिंह आलूवालिया नूं कैद कर लिया जख्मी हालत दे विच मैदाने जंग च, ते उहनूं लिया के बड़े माण दे नाल जस्सा सिंह रामगढ़िया के सामने पेश करता है, आ लै तेरे दल खालसा का जहेदार बन के लै आंदा मैं। तो जस्सा सिंह रामगढ़िया उस वेले अपने तख्त तो उतर के आलूवालिए सरदार को खिमा मंगदा, उहदा इलाज करवाउंदा, उहनूं माण दिंदा है अपने अपने आगू के तौर पर। तो आली सिंह दे नाल इन्नी नाराजगी हुंदी है, उस तो बाद रामगढ़िया सरदार आली सिंह नूं किसी पंथक मुहिम ते नहीं भेजदा कि तू पंथ दे जथेदार दा निरादर कीता है। जदों आलूवालिया सरदार कायम हो जांदे ने सफ़र करन वास्ते अपने कोलों बहुत वधिया घोड़ा कृपान ते होर तोहफे दे के अपने कौम दे जथेदार नूं विदा करदे ने। इह आ जस्सा सिंह आलूवालिए दी पंथ प्रस्ती, कौम प्रस्ती। जस्सा सिंह आलूवालिया दियां बहुत देणा ने। फिर 1798 दे विच अखीरली बार रणजीत सिंह 14 साल की उम्र उहदी अगवाई दे विच
शाह जमान नूं हरा देंदे ने ते लाहौर दे उत्ते खालसाई राज कायम हो जाता है। बेशक उहदी ताजपोशी 1803 दे विच हुंदी है, 1798 च खालसा राज लाहौर दे उत्ते दुबारा कायम हो जाता, पहले भी एक बारी हो चुका है। मिसलां नूं खत्म किया जा रहा, रणजीत सिंह अपने राज विच रला रहा है। रामगढ़िए मिसल दे इलाके वल कोई निगाह चक के नहीं देखता, अख चक के नहीं वेखता। 1803 दे विच ही जस्सा सिंह रामगढ़िया 80 साल की उम्र भोग के इस संसार तो चलाना कर जाता है। तो इन्हां दे चलाना कर जाण तो बाद इन्हां दा पुत्र जोध सिंह अपनी मिसल की अगवाई करता है। तो 1816 तक 13 साल जोध सिंह अपने मिसल की अगवाई करता रहा, तो अपने इलाके का राज करता रहा। जस्सा अपना सॉरी महाराजा रणजीत सिंह रामगढ़िया मिसल के इलाके वाल अख चक के भी नहीं वेखता, बेशक बाकी मिसलों के सारे इलाके वो हजम कर चुका सी। 1816 जोध सिंह के चलाना कर जाने तो बाद जो पुत्रां दे विच आपसी झगड़ा हुंदा है, तो उस वेले इहदे राज नूं मिसल के इलाके नूं भी खालसा राज दे विच शामिल करके जोध सिंह का वड्डा पुत्र जिहड़ा सब तो वध काबल है लायक है उहनूं जम्मू का गवर्नर थाप देंदा है। फिर ये सारी रामगढ़िया मिसल के जिहड़े जरनैल है ये सिख राज की चढ़ती कला वास्ते अपना योगदान पाते हैं। मैं एक गल हर थां कहना हुंदा, कोई किन्ना भी वड्डा क्यों ना होए वो अपने तौर पर वड्डा नहीं हुंदा, उहदी बड़प्पण पंथ दे विच हुंदी है। जस्सा सिंह रामगढ़िया अपनी रामगढ़िया मिसल का जथेदार है, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया सिर्फ रामगढ़िया का नहीं है। जदों समा बनया सी ना, मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धार्मिक सलाहकार बोर्ड का मैंबर रहा कई साल, तो मैं हमेशा लड़ता रहा भाई तुसी इन्हां नूं वखरे वखरे क्यों रखिया है, ये जिहड़े कौमी जरनैल ने इन्हां दा कौमी तौर दे उत्ते सांझे असी सैलीब्रेशन क्यों नहीं करते। मैनूं अज खुशी होई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने भी जस्सा सिंह रामगढ़िया सरदार दा 300 साला जन्म शताब्दी जिहड़ी है बहुत शान दे नाल मनाई है, जिहड़ी कि चंगी गल है। जिवें पंथ ने अपने जरनैलां नूं ओन करके उन्हां नूं माण सत्कार देना है, उवें ही मैं इंडिविजुअल तौर पर कहना हुन्ना अपने सरदारां नूं अपने तक सीमित ना रखियो, वो पंथ की अमानत है। दूसरी गल, जस्सा सिंह रामगढ़िया एक बहुत बहादुर योधा है, बहुत बहादुर योधा है, उहदे नाल नाल गुरबाणी का व्याख्याकार भी है। उहदी बहादुरी का राज वो सिर्फ उहदे डौलियां की ताकत नहीं है, उहदे अंदर जिहड़ी गुरु के नाम की जोत जगदी है उहदी ताकत है, तो उस ताकत की अज सानू भी लोड़ है। ठीक है साढ़े शरीर में जस्सा सिंह रामगढ़िया जिनी ताकत नहीं होनी, तो अज की लड़ाई भी मैदानी जंग में ओह जी नहीं हैगी, अज होर तरह के चैलेंजस ने, चुनौतियां ने, बखरे किस्म लड़ाइया ने, बखरी किस्म की लोड़ है। तो सानू ये गल चेते रखने की लोड़ है, वह रामगढ़िए सरदार नूं चाहे वह महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया है जो सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया है, जिन्हें मर्जी बड़े तो बड़े अहदे नाल उहनूं संबोधन कर लईए, उहदी शख्सियत दे सामने वो सारे छोटे ने, पर उस दे बावजूद आपां ये अगवाई लैके चलना है। जदों तक पंथ प्रस्त रहांगे, जदों तक गुरबाणी दे आधारित अपना जीवन जीवांगे, तो संसार का कोई चैलेंज जिहड़ा है सानू अपने निशाने तो उका नहीं सकता। उन्हां सरदारां ने उस वेले हमरे सतगुर राज लिख दिया, हम राखत पातशाही दावा। मैं बार बार ये गल इस करके कह रहा, कुछ नहीं है कोल, खाण नूं भी है नहीं, भुखे मरदे ने, कोई कपड़ा नहीं पाउण नूं, रहण नूं घर नहीं है, घरां वाले घर दे विच नहीं सद्दणा चाहुंदे तां कि सानूं भी ना हुकूमत आ के सानूं भी जानो मार दे। कोई सिंह बन जांदा है ते घर दे विच मातम छा जांदा है, सिंह बनना मतलब मर गया है, इहने हुण वापस घर च जिउंदा नहीं आउणा, इहो जी हालत दे विच जंगलों वेलिया के गाँवे फिरना, हम राखत पातशाही दावा दावा हमरे सतगुर राज लिख दिया। अज पंथ दे विच बहुत चुनौतियां ने। हाँ एक गल रह गई, वो जिहड़ी सैल जिहड़ी परिक्रमा दे विच जाके पंथ की ठोकर वास्ते रखी सी, अज वो बुंगा रामगढ़िया दे विच पई है। कोशिश हो रही है, शायद हो गई है कि परिक्रमा के विचों बुंगा रामगढ़िया का एक्सैस जिहड़ा है वो कायम हो जाना है। जदों किते जाओ
वह जी सा विरासत है वह जरूर वेख के आयो। वह वेख के इन्ने नहीं सर जाता कि रामगढ़िया सरदार की प्राप्ति है। ये भी चेते रखने की लोड़ है कि जिन्हां हकूमतां ने साडे सिरां दा मुल पाया सी उन्हां हकूमतां दे थम गुरु खालसा पंथ दे पैरां दे विच रुलदे फिरदे ने। अज भी उही हालत है, अज भी ये सारा कुछ हो सकता है जे साडे अंदर पंथक भावनावां कायम होवे, आपस इकट्ठे बैठ के बैठ सकन दी। बहुत मतभेद ने पर पंथ सांझे पंथक प्रोग्राम दे लई अपने मतभेद भुला सकन दी समर्था साडे च होवे ते साडी जिंदगी दी जिहड़ी सेध है वह गुरु ग्रंथ साहब जी तो असी लै रहे होइए। तो संसार की कोई ताकत नहीं है कि किसी चुनौती का असी मुकाबला ना कर सकीए। भुल चुक लिखी मां तुसी याद किया, बड़े सालों बाद तुसी याद किया तो मैनू खुशी हुई। मैनू तीन क दिन ही पहला इन्होंने मैं फोन करके कहा कि उन्हां दी कंडीशन है कि तुसी तां सिख चैनल इत्थे आ सकदा जे भाई अवतार सिंह आउणगे। तां सचमुच ही मैनू खुशी हुई। मैं अज एक परिवार समागम छड के तुहाडे कोल तुहाडे हुक्म दा वजह आया। तुहाडा बहुत धन्नवाद, तुसी मैनू याद किया, फिर याद करोगे, फिर हाजिर होवांगे। शायद मैं दो चार मिनट वध लै गया, उहदे लई मैनू तुसी खिमा कर दिओ। तुहाडा सारिआं दा ही बहुत बहुत धन्नवाद। सिख चैनल दा तुसी इसे तरह कोऑपरेट करते आए हो, मेरी बेनती है। वो प्लेटफॉर्म से असी बहुत सारा गल तुहाडे तक पहुँचाने, वो इसे तरह सपोर्ट करते रहो, ये मेरी बेनती है। भुल चुक लिखे मां फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे साध संगत जीओ, आप जी ने भाई साहब अवतार सिंह जी होना पासों जो महाराजा जस्सा सिंह जी का पूरा इतिहास किस तरह उन्होंने जंगा लड़िया और किस तरह सिख राज कायम किया बारे आप जी ने उन्हों तो सारे विचार श्रवण किए। सुदास इन्हों का तय दिल तो धन्यवाद करता है क्योंकि छोटे समय के इन्होंने साड़ी जो बेनती स्वीकार करके आप जी दे संगत दे सन्मुख होए। हुण गुरु प्यारे साध संगत जीओ दास बेनती करता है भाई साहब भाई सरबजीत सिंह कि वह पांच मिनट वास्ते स्टेज पर आ के आप जी को संबोधन करन। गुरु चरणों में जुड़ बैठी गुरु रूपी साध संगत जीओ, आओ पहला गज के फतेह बुलाइए। कोई भी इस रसना तो वांझा ना रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज आप सारे इतने इकट्ठे हुए हैं एक महान योद्धा जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया जी होना दे 300 साल जिहड़ा शताब्दी है वह मनाने लई। तुहानू सारयां नू इस गल दीआं पहलां तां बहुत बहुत मुबारक। जिद्दां अवतार सिंह जी होनी जो सिख चैनल तो गल्लां करके गए ने, शायद उस तो बाद कोई गल रही नहीं जाती कि असी उस जरनैल बारे उस योधे बारे गल कर सके क्योंकि उन्होंने सारा कुछ थोड़े समय में विस्तार नाल दसता। कोई भी कलम ऐसी नहीं बनी जो इन्हां योधिआं दी इन्हां योधिआं बारे कुछ लिख सके या उन्हां दी गाथा बयान कर सके। पर फिर भी हर एक जो इत्थे इकट्ठे होए ने बुला रहे साडे विद्वान बुद्धिजीवी कुछ ना कुछ लिख के लियाए ने और उन्हां बारे बोल रहे ने। मैं भी चंद लाइना लिखिया लेकिन जदों अवतार सिंह उन्हां दी गल्लां सुनिया तां दिल किया भी शायद ना ही बोलीए तां वधिया क्योंकि जो जिन्ना ज्ञान उन्होंने है इस चीज़ का शायद ही किसी को होवे। बहुत वधिया तरीके नाल उन्होंने जस्सा सिंह रामगढ़िया जी होने बारे दस्या, उन्होंने जीवन बारे सानू दस्या किस तरह उन्होंने लड़ाइया लड़िया। लेकिन जिस तरह कोई हर बुलारे का फर्ज होंगे कुछ ना कुछ बोले। जे मैं अज इस गुरु घर की कमेटी ने यह माण बख्शा है मैनू बुलाया इतने जिदा थोड़े समय से ही मैंने इतने कहा भी तुम आयो जरूर इतने आके पांच मिनट बोलियो। मैं तहे दिलों शुक्रगुजार हाँ इस पूरी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने मैं इतने ये मौका दिता बोलन का। सो चंद लाइना जो जस्सा सिंह हुणा बारे लिखिया सी है, जस्सा सिंह अणखीला सूरमा दुनिया च राज करता, जस्सा सिंह अणखीला सूरमा दुनिया च राज करता, अरदा वेख के दलेरी उसनू वैरी भी डरदा, वेख के दलेरी उसकी वैरी भी डरदा, तनमा गंगू तेरा लाडला पुत भगवान सिंह दा तारदा, चुन चुन के वह वैरियां नू मारदा, रामगढ़ दे किले दा फानी। जिस तरह अवतार सिंह उन्होंने कहा कि रामगढ़ जो पहला राम वाणी सी उन्होंने उसारिया तो फिर वह रामगढ़ बनया,
रामगढ़ किले का वाणी जस्सा सिंह रामगढ़िया जचदा, जस्सा सिंह रामगढ़िया जचदा, अज भी योधे उसके ना का डंका बजदा। चौड़ी छाती ते फड़क दे डौले, चौड़ी छाती ते फड़क दे डौले, पुत पंजाब दा सी सूरमा, सूरमा जिन्हें 30,000 फौज का किया चूरमा। जिथे बैठ के हुक्म सी दिंदा, जिथे बैठ के हुक्म सी दिंदा, तोड़िया धौण दा उह सरिया। जिस तरह अवतार सिंह उन्होंने कहा कि जदों मुगलों के वेले वो जिथे बैठ के वो फरमान करते कि सिखां नूं इत्थे दिल्ली लुट लो या आ कर लो, उस जिहड़ा उहदा माण सी उह तोड़िया। जिथे बैठ के हुक्म सी दिंदा, तोड़िया धौण दा उह सरिया। औरंगजेब दे उस तख्त नूं, औरंगजेब दे उस तख्त नूं भन्निया ओ सी जस्सा सिंह रामगढ़िया। यह है जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। साढ़े जिहड़े सिख कौम के जरनैल रहे ने उन्हां च इन्हां दा नाम शायद सब तो उपर असी लिया जांदा है। और जिस तरह अवतार सिंह उन्होंने कहा कि सानू सारे एकजुट हो के इत्थे इकट्ठे होना चाहिए अपनी जात पात तो दूर के, क्योंकि गुरु नानक साहब ने भी कहा कि जात पात कुछ नहीं है। उन्होंने सारे इको पंगत में बिठा के रोटी खाई, चाहे वह राजा होवे चाहे रंक होवे। सो असी उन्होंने दिते पूर्णिया ते क्यों नहीं चलते, ये साढ़े साड़ी कौम लई सब तो बड़ी जे आप कही एक घाट है कि असी इस चीज़ नूं असी मानते हैं गुरु नानक साहब नूं, उन्होंने दिते गुरु ग्रंथ साहब नूं साढ़े गुरु ने, पर असी उन्होंने पूर्णिया ते पूरी तरह चल नहीं रहे, जबकि सानूं चलना चाहिए है। सो मैं बहुत छोटा थोड़े सारे विचों, सारे बड़े बड़े विद्वान बुद्धिजीवी बैठे ने, लेकिन इको ही मेरी थोड़ी बेनती हाथ जोड़ के कि सिख कौम नूं सिख पंथ नूं जातां च ना वंडो, उन्हूं सिख रहन दो, क्योंकि जो आप जात पात फस जाने ना फिर सिख सिख नहीं रह जाता। इस करके सानू जात पात तो उठ के अपने गुरु नू मनना चाहिए है, ताकि असी एक सिख उस गुरु नानक पातशाह दे असी पुत कहा सकीए। सो मेरी इन्नी की बेनती है, आओ जात पात दे झगड़िए मिटाइए दोस्तों, बंदे हाँ रब दे बंदे कहाइए दोस्तों। मजबा ने किया आदमी नू आदमी तो दूर, मजबा ने किया आदमी नू आदमी तो दूर, आओ रल मिल के प्यार दा मजहब चलाइए दोस्तों, आओ रल मिल के मजहब चलाइए दोस्तों। ये गुरु नानक पातशाह की बाणी है कि असी प्यार नाल रहना सारे ने, और प्यार नहीं बंडना है ताकि असी गुरु दे सिख कहा सकीए। इन्ना कहिंदा होया जे मैं कुछ गलत बोल गया होवां क्षमा दा जाचक हाँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हुण 5 मिनट वास्ते सरदार जगतार सिंह जी आप जी के सामने संबोधन होणगे। तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी दे विच अपने दुनियावी धंदियां नूं छड्ड के कौम दे महान सूरबीर योधे बहादुर जरनैल सरदार जस्सा सिंह जी रामगढ़िया दी 300 साल जन्म शताब्दी मना रही रू गुरु साहब सिंह जी गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वक्खो वक्खरे बुलारियां ने बहुत ही थोड़े समय च बहुत कुछ दस दिता गुरु प्यारियो। सब तो वड्डी चीज़ आ कि पंजाब गुरुआं पीरां दी योधियां दी बहादुरां दी जरनैलां दी जिथे धरती आ उत्थे पंज दरियावां दी धरती आ। पंजाब दी धरती ने बड़े योधे सूरबीर पैदा कीते आ, एक वक्री विलखणता। ते गुरु प्यारियो सारी गल मुकदी आ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे ओट आसरे ते नेचा दे उत्ते। वो गल वक्री आ कि आपां सुणी जाने असर नहीं करदे। धन्ने जट ने रब पा लिया, कीड़ी ना बणदे रामा प्रहलाद डोल जांदा। सो गुरु प्यारियो किने कहा नेचा नाल इंसान जो रवे लगा, वह किहड़ा काम जो उहदा ना होवे। लोकी आंदे आ रब नहीं नज़र आउंदा, जिथे याद करिए उसे थां होवे, नाल भगतां दे करे प्रेम इदां उह जिदां बच्चे दे नाल मां होवे। पाणी पाईए जिस रुख नूं साध संगत, भला ठंडी क्यों ना दी छां होवे। ये सारे जिन्हें जरनैल सी उन्हां नूं वोट आसरा किहदा सी? अज जिन्हां दी आपां जन्म शताब्दी मना रहे हाँ, खंडे बाटे दा अमृत छकिया सी, तात कादी सी गुरु प्यारियो? खंडे बाटे दे अमृत दी। जे तुसीं आए गए प्रचारक नूं माया देंदे जे, ते की गल जिहड़ा तुहाडी आवाज़ चुक के बाहर कढ़दा उहनूं माया देण दा कोई फर्ज नहीं। मैं ये बेनती करदा कि तुसीं वध तों वध डायरेक्ट डेबिट भरो, वध तों वध सिख चंद दी सपोर्ट करो, ते वध तों वध अपने वड्डियां दे जिथे जन्मदिन मनाउंदे ते उहनां दे पूर्णां ते वी चलो। मेरी हथ जोड़ के बेनती है गुरु प्यारियो, बोलदे आ कोई गलती होए तां माफ़ करना,
और मैं ये बेनती करदा कि गुरुद्वारे जिथे उत्थे अपना थपाक रखना चाहिए, क्योंकि हुण गुरुद्वारे पक्के हो गए आ। गुरु प्यार दे पहला घर भी कच्चे होंदे सी, गुरुद्वारे भी कदे कच्चे होंदे ते प्यार बड़ा होंदा सी। ज्यों ज्यों गुरुद्वारे पक्के होंदे जांदे आ, गुरु प्यार असीं शहनशाह होंदे जांदे आ, बड़े बड़े कारां कोठियां वाले, उन्ने साडी नफरत वधदी जांदी आ। जे कदे इदां रहा ते याद रखियो, चर्चां वर्ल्ड दे विच ईसाइयां दीआं सी जिन्हां ने दुनिया ते राज कीता सी, क्रिश्चनां दीआं गुरु प्यारिओ अज उहनां दे बच्चे नहीं आउंदे। तो मैं ये पुछना चाहुंदा, इत्थे किन्ने कु बच्चे बैठे आ, तुहाडे कोल झाती मार के वेखो। आने वाला समा सोचो कि साढ़े ना भी उन्ना वाली ना हो जो पड़ोसी दे हो, अपने भी घर जान गुरु प्यारे हो, अपने बच्चों को लिया करो। डरते जो गुरुद्वारे छत्र प्रधान हों, कोई गुरुद्वारे बजा जिथे केस नहीं चलता। मैं हर वर्ल्ड से जाता रहना गुरु प्यारे, कोई कितने आ हो गया, कितने आ हो गया, ईरखाबाजी आ। मैं एक गल अखीर कहना कि संगत जो कमेटी बना, ट्रस्ट बना, पांच साल तीन साल दो साल जो मिथ दिदियाँ, जो ट्रस्टी या कमेटी मैंबर नहीं हटता, मैं गुरु की हजूरी कहना जरूर चोर आ, उन्होंने जरूर लालच आ। तो जोड़ा हट जाता वा सच्चा सेवक ही उही आ। गुरु प्यारे होइया भुलना चुकों की माफ़ी दो इजाजत। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ये सन सरदार जगतार सिंह जी, जिन्होंने जो अपने अज के हालात सिखा दे नाल चल रहे उस बारे आप जी थोड़े विचार दसे। गुरु प्यारे साहसंग जी, सरदार सरदूर सिंह जी मालवा, जिस तरह आप जी ने सुनिया भी होगा कि वह सोलीहल कौंसल दे कौंसलर चुने गए हैं। सुदास उन्होंने एक बार फिर उन्होंने कौंसलर बनने की लख लख बधाई दिता है, और दास बेनती करता है कि असी जो सरोपा है असी उन्होंने एज ए कौंसलर सम्मानित करना है। बोले सो निहाल, क्योंकि ये अपने वास्ते एक बहुत ही फखर वाली गल है कि जो सरदार सरदूर सिंह मालवा कौंसलर बने हैं। गुरु प्यारी साध सिंह जीओ, आओ प्यार दे नाल श्रद्धा पूर्वक फतेह दा सिमरन करिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। धनवादी हाँ मैं प्रबंधक कमेटी का, जिन्होंने माण बख्शे। बहुत बारी इस स्टेज तो संगत ने माण बख्शे है। काउंसलर बनना या ना बनना, किसी अहदे ते पहुँचना, ये सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, पर जिहड़ी कृपा है वह वाहिगुरू की है। उन्हां दी कृपा दे नाल ही बंदा पहुँच सकता है। और इहदे विच कोई माण नहीं, और बजुर्ग सिख्या जिहड़ी यही रही है कि जमीन दे पैर लगे रहणगे ते बचा रहेगा, ते जमीन तो उपर उठिया ते डिगया ते फिर उठिया नहीं जाना। सो अज तक जो भी वाहिगुरु ने माण बख्शे, 1982 दे विच पहला बर्मिंगम काउंसलर बनया सी, दो बारी उस तो बाद MP दी इलेक्शन भी लड़ी, मैजिस्ट्रेट 95 तो MBE 1990 दे विच। इहदे विच हुण काउंसलर बन दी जिहड़ी गल सी, मैं ते गुरु दे हजूर खड़ा ये कह रहा कि मैं रिटायर्ड सी, पे हुण अपनी घरेलू जिंदगी दे विच ही समा बिताइए। पर मैं इस गल नूं माण नाल कह सकदा, बरखुरदार कुलविंदर सिंह सूरा, जसपाल सिंह विरदी, सुखनिंदर सिंह बांसल, मनजीत सिंह, बहुत सारे सज्जन जिन्हां ने मैनू इस पासे नूं
बेनती नहीं, मैं तो हुक्म ही कहांगा। ये कुलविंदर दे शब्द सीगे कि अंकल जी थोड़े को जो एक्सपीरियंस है तुसी एक बारी अगे आओ तो किसी होर नू फिर ट्रेन करके अगे लैके आवांगे। तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ इन्हों का, और इतों तक कि जिहड़ा इस कैंपेन दे विच इन्होंने हिस्सा पाया उसका मैं देन नहीं दे सकता। तो जो काउंसलर की जी ड्यूटीज़ है वह कल तो शुरू ने। मैं इन सारे सज्जनों का धन्यवाद, और जिहड़ा अज का दिन है खास करके महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िए का, क्योंकि तुसी मैनू इस काम लई ही अज किया है। पर दिल तो यह करता सी जिदे अवतार सिंह हुणी बोल गए ने, जस्सा सिंह की हिस्ट्री जिहड़ी है वो तो मेरे हमेशा ही दिमाग ते बुलां ते रहिंदी है। तो मैं इत्थे एक गल कह जावां कि जदों अदीना बेग दी गल कही जाती है कि उहदी नौकरी कीती है, और बहुत सारे इतिहासकार इस गल नूं भुल गए ने कि रामगढ़ियां दे कोल उन्हां दे बरखुरदारां ने उहनूं कहिंदे ने एनल्स ऑफ रामगढ़िया सरदार्स। उहदा मतलब है कि रोज़ दी रोज़ डायरी लिखी जानी, उसनूं एक पासे कर दिंदे ने ते इह कहिंदे जी उहदी नौकरी कीती ते राम रौणी ते चढ़ के आया। इह गल गलत है। और एनल्स ऑफ रामगढ़िया सरदार दे मुताबक जदों राम रौणी दे उत्ते इह घेरा पिया होया सी और जस्सा सिंह रामगढ़िया अदीना बेग दा साथ छड़ चुका सी, उहदा साथ छड़न तो बाद जदों उहनूं पता लगा कि मीर मन्नू ते अदीना बेग राम रौड़ी दे चढ़ के आए ने, तो वह होर मुहिम तो आ के उन्हें अंदरले सरदारां दा साथ दिता। दैट इज़ द करैक्ट वर्शन ऑफ रामगढ़िया एनल, जिहड़ी एनल रामगढ़िया सरदार की गल हैगी। खैर मैं अज ये क्योंकि कवि बैठे उन्होंने समा बहुत लिया जा रहा है, तो दिल से करता सी कि मैं भी कुछ कविता या कुछ होर बोलता, पर नहीं, वो फिर किसी समय के उत्ते आके थोड़े जरूर दर्शन करेंगा। मैं प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता, साध संगत का धन्यवाद करता। तुसी इस तरह मेहर भरिया हथ सिर ते रखो, तो जिनी देर वाहेगुरु ने यह जान बख्शी है मैं संगतां दी ते और कम्यूनिटी की सेवा करता ही रहांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये सन कौंसलर सरदूर सिंह जी मरवा, सो हुण दस बेनती करदा है सरदार रणजीत सिंह जी राणा होना पास कि वह 10 मिनट वास्ते अपनी कविता आप जी सामने पेश करन। होर कुछ कहण तो पहला मैं आप जी नूं कवियां दे पितामा, पुत्रां दे दानी, अमृत दे दाते, बाजां वाले कलगीधर पिता जी की बख्शी हुई फतेह अर्ज कर रहा। आप जी ने प्रवान करनी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं देख रहा कि थोड़ा जहा दीवान दे विच उतावलापन है, आप जी ने थोड़ी कृपा करनी क्योंकि मैनू भी 2 हफ्ते हो गए ने थोड़ी जी मेहनत करदे आ, ते थोड़े पलों की गल है। मैं कविता कहण तो पहला आप जी नूं कौम दे गौरव, कौम दी आन शान, कौम दे महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जी दे जन्म दिहाड़े दियां, उन्हां दे जन्म शताब्दी दियां दिल दियां गहराइयां विचों लख लख वधाइयां पेश करदा। उहदे नाल ही मैं गुरु घर दे प्रबंध नूं भी इन्हां नूं बहुत वधाइयां पेश करदा जिन्हां ने यह उपराला किया कि एक उचेचे तौर पर एक विशेष दीवान दा आयोजित करके ये प्रोग्राम रखिया। मैं कुछ इउं अर्ज कर रहा खजांची जी कि कहिंदे कि नेक पीढ़ी दर पीढ़ी उही हुंदी, यानी जी कहिंदे कि नेक पीढ़ी दर पीढ़ी उही हुंदी जो दिन दिहाड़े अपने पुरखियां दे मनाउंदी है, कर वार वार याद उन्हां नूं पई गौरवमई तवारीख नूं भी दोहराउंदी है, उन्हां दीआं पाईआं गूढ़ियां पैड़ां ते तुर के ना रोशन अपना ते कौम दा भी करे, उन्हां दीआं पाईआं गूढ़ियां पैड़ां ते तुर के ना रोशन अपना ते कौम दा भी करे, ऐपर बिना बहादुरी अते कुरबानी दे
तकदीर कौम की ना कदे भी रचनाउंदी है, तकदीर कौम की ना कदे भी रचनाउंदी है। हाँ जी भोल साहब, थोड़ा ध्यान देना कि कुल दुनिया नू मुबारक होवे, कुल दुनिया नू मुबारक होवे, अज दा ये भागा भरिया दिहाड़ा है। ऐपर वैरी ना कदे भी मित हुंदा, ऐपर वैरी ना कदे भी मित हुंदा, कीतियां मिन्ता तरला हाड़ा है। जुला गुलामी दा लाउण दी खातर आखिर हथ तेग नू पौना ही पैंदा है, जुला गुलामी दा लाउण दी खातर आखिर हथ तेग नू पौना ही पैंदा है। पंथ अते कौम दे भले दी खातर वहाउणा पैंदा खून जो हुंदा गाढ़ा है, वहाउणा पैंदा खून जो हुंदा गाढ़ा है। फिर है जी कि अज भी वह खड़े बूंगे तेरे नाम दे, नंदरा जी के अर्ज कीता कि अज भी वह खड़े बूंगे तेरे नाम दे, बूंगे रामगढ़िया दे ही कहाउंदे ने, खड़े विच हरमंदर दी परिक्रमा दे याद तेरी ही तां कराउंदे ने, जिथे कदे बह के तू नतारा दुध ते पानी दा करदा रहो, जिथे कदे बह के तू नतारा दुध ते पानी दा करदा रहो, वह खड़े उच्चे महल मुनारे तेरे अज भी शान कौम दी वधाउंदे ने, अज भी शान कौम दी वधाउंदे ने। फिर है जी कि अज दुनिया के हर कोने कोने अंदर तेरा जन्म दिहाड़ा है मनाया जा रहा है। मरवा अंकल जी अर्ज कीता कि अज दुनिया के हर कोने कोने अंदर तेरा जन्म दिहाड़ा है मनाया जा रहा, ते पन्ना पन्ना तेरी बहादुरी अते कीते परपकारां दा भी ही दोहराया जा रहा, ते पन्ना पन्ना तेरी बहादुरी अते कीते परपकारां दा भी है दोहराया जा रहा। रहू तेरी कौम नूं माण तेरे उत्ते मणा मूही ओढ़क ती के, रहू तेरी कौम नूं माण तेरे उत्ते मणा मूही ओढ़क ती के, कर लखां ही वार प्रणाम तेनू, अज जयकारा खुशियां दा भी लाया जा रहा, अज जयकारा खुशियां दा भी लाया जा रहा, अज जयकारा खुशियां दा भी लाया जा रहा। ला दिओ फिर बहुत धन्यवाद। हाँ जी मैं कुछ लाइना थोड़ियां जिहियां पेश करके आप जी तो खिमा मंग लैणियां, वह ये वहाँ जी थोड़ी तवज्जो देनी कि वो मल्ला जेड़ियां ने तैं मारियां, वो मल्ला जेड़ियां ने तैं मारियां, वो मुड़ मुड़ याद तेरी ने कराउंदियां, मुड़ मुड़ याद तेरी ने कराउंदियां, विच जंगे मैदाने जो तेगां वाइयां तेरियां, अज भी ने लशे कौंदियां, अज भी ने लशे कौंदियां, अज तेरे जन्म दिहाड़े दियां हुण वधाइयां लखां लखां ही वार जी, अज तेरे जन्म दिहाड़े दियां हुण वधाइयां लखां लखां ही वार जी, केड़ी केड़ी लिखां मैं, केड़ी केड़ी लिखां मैं, अलोकारियां तरीफां ने तेरियां बेशुमार जी, अलोकारियां तरीफां तेरियां ने बेशुमार जी, ताड़ ताड़ वहीं तिगां तेरियां, ताड़ ताड़ वहीं तिगां तेरियां, गईं वैरी नूं हराउंदियां, गईं वैरी नूं हराउंदियां, ओ मल्लां जेड़ियां ने तैं मारियां, ओ मुड़ मुड़ याद तेरी ने कराउंदियां, ओ मुड़ मुड़ याद तेरी ने कराउंदियां, विच जंगे मैदाने जो तिगां वाइयां तेरियां, अज भी ने लशे कौंदियां, ज्ञानी जी अज भी ने लशे कौंदियां, वार वार फतेह कर दिल्ली नू, वार वार फतेह कर दिल्ली नू, पैड़ा नमियां ही तैं पाइयां ने, अज तेरे जन्म दिहाड़े दियां कड़ियां कीतियां रुशनाइयां ने, अज तेरे जन्म दिहाड़े दियां कड़ियां भी कीतियां रुशनाइयां ने, ऐवें तां नी दिन दिहाड़े कौमां अपने जरे नैलां दे मनाउंदियां, ऐवें तां नी दिन दिहाड़े कौमां अपने जरे नैलां दे मनाउंदियां, ओ मल्लां जेड़ियां ने तैं मारियां,
ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਵਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਬਈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਬੂੰਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਬੂੰਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਅਮਰ ਰਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖ ਨੇ ਅੱਜ ਝੂਮ ਝੂਮ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਝੂਮ ਝੂਮ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਗੀਤ ਕੌਮੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਵਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲੀ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲੀ ਜੋਧਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਹਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮਹਿਤਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੀਤ ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੀਤ ਰਣੇ ਜੀਤ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਤਿਰੰਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੀਤ ਰਣੇ ਜੀਤ ਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਨੇ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੋ ਤੇਗਾਂ ਵਾਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਲਸ਼ਕਾਉਂਦੀਆਂ ਇਤਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਲਖੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਭੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਲਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਪਾਸ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ
ता ही फायदा है कि अगर आपू पढ़नी है, क्योंकि ये ना हो कहना जी चलो मुफ्त ही मिलती है लैके घर रख लो, नहीं वो बुक लो तो उसनों पढ़ो भी, और ये बुक वो अपनी लाइब्रेरी वास्ते जो उपर अपने लाइब्रेरी है उस वास्ते भी भाई साहब ने ये बुक देनिया हैं, और आपू दसणगे कि उन्होंने पहला कि बुक लिखिया हैं वो उसके बारे आपू दो मिनट वास्ते दसणगे। गुरु रूप साध सिंह जी, वाहगुरु जी का खालसा, श्री वाहगुरु जी की फतेह। मैं स्टेट सैकटरी इतने की मैनेजमेंट कमेटी का ऋणी हाँ, जिन्होंने मैं मौका आप संबोधन करता। मेरा बहुत समा जिंदगी का यूनिवर्सिटी गुजरिया है। मेरी पहली पढ़ाई मकैनिकल इंजीनियरिंग से जी, मैं रास नहीं आई। उस तो बाद मैं लोधिया 8 डिग्रियां कीतियां, जिस 3 मास्टर सन। मास्टर डिग्री या पी एच डी करन तो बाद तुहानू कोई बुक लिखनी मुश्किल नहीं हुंदी, क्योंकि तुहानू थीसिस लिखनियां पैंदियां हन, और वो थीसिस जिहड़ियां हुंदियां वो तकरीबन बुक ही हुंदी है। इस करके और इधर मेरा ध्यान क्यों गया रामगढ़िया की हिस्टरी वाल, वो मैं फ्रेज अपनियां बुकां च लिखना चाहुंदा सी, लेकिन वो फ्रेज मेरे दिमाग में बहुत देर बाद आया। वो है वेमेंस इनवैगोरेशन एंड इंडिग्नेशन ऑटोमैटिकली बिगेट्स व्हेन वन नोटिसेस इनजस्टिस। इसका भाव पंजाबी है जोश शक्ति अते क्रोध अपने आप उत्पन्न हो जाता है जो किसी के ध्यान में अन्याय आता है। बाकी गल्लां करन तो पहला मैं ये दस दवां कि सरदार अवतार सिंह इत्थे 35 मिनट भाषण दे के गए हैं, जिन्हें मैं उन्होंने भाषण दो गल्लां तो सहमत नहीं हाँ। एक तो जस्सा सिंह रामगढ़िया भमरा सी, सगू नहीं सी। दूसरा जदों दिल्ली फतेह कीती सी, जस्सा सिंह आलूवालिया उत्थे नहीं सी, उसका देहांत हो चुका सी। दिल्ली फतेह करन लग्या बघेल सिंह उसके नाल सी, जिहड़ा कि जस्सा सिंह रामगढ़िया की इंस्ट्रक्शन से चल रहा सी। मैं सरदूल सिंह दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ, जो नहीं रोनी राम रोनी बारे जो कुछ आख्या मेरी किताब बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हुई वह चीज़ है। ये ना सरदूल सिंह ने जो आख्या बिल्कुल सही चीज़ है। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया अते सुखा सिंह कलसी, जिन्हों का पिंड माड़ी कंबोह सी, इन्हां दो योधियां का नाम लैण तो बगैर 18वीं सदी का इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता। इन्हां दोहां नूं इग्नोर ही किया गया है। और जिहड़ा मैं फ्रेज आख्या है, मेरी बेशक मेरी लाइन होर है, लेकिन मेरा ध्यान इस पास खिंचिया तां ही गया है जदों मैं किताबां पढ़ियां इतिहास दियां, जदों मैं बुलारियां नूं बोलदियां सुनिया, जदों टैलीविजन ते रेडियो ते जो बुलारे बोलदे हैं उन्होंने मैं सुनिया, तो मेरे तो रहा नहीं गया, मेरा ध्यान इस पास खिंचा गया और मैं बहुत सारिया किताबा पढ़ के ये चीज़ लिखी है। हाँ, एक चीज़ मैं जरूर तुम दस दिना हाँ कि मेरी सैकेंडरी स्कूल तक एजुकेशन इंग्लिश ते उर्दू से, और पंजाबी विच मेरे पास फॉर्मल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं पंजाबी च किताबा लिखिया। एक किताब डबल्यू डी ओसबर्न जिहड़ा कि कैप्टन सी गोरियां दा, उसकी लिखी हुई इंग्लिश विच है, वह मेरे पास सी। एक सज्जन मेरे पास वो किताब लै गया, उन वापस नहीं की। तो मैं एक मुसलमान भरा नूं आख्या कि मैनू ये किताब चाहिए है, तू लाहौर तो जिथे वो मिलती है कि उतों मैं लिया के दई प्लीज़। और वह मुसलमान भरा ने डबल्यू डी ओसबर्न की जी इंग्लिश में एडिशन से वह तो नहीं दि लिया सकया, वो उर्दू में उसने लिया के मैनू दिती है, जिड़ी कि मैं पंजाबी ट्रांसलेट कर रहा हाँ। और रणजीत महाराजा रणजीत सिंह जी बहुत सिफतें की जाए हैं, और जो असलीयत सी वह मैं लिखने की कोशिश कर रहा हाँ। बाबा हरदास सिंह उसके दो लड़के सन, ज्ञानी भगवान सिंह अते दान सिंह। मेरी बुक में इन्हां दी फैमिली ट्री है दोहां दी। भगवान सिंह दे 5 लड़के सन, जस्सा सिंह, जय सिंह, कुशाल सिंह, माली सिंह। ये अवतार सिंह ने माली सिंह का नाम होर ही कुछ दस्सिया, और सारे छोटा सी तारा सिंह। ये 5 भरा सन।
मैं तुरया नहीं जाता क्योंकि मैं किताबों के रैफरेंस दे के ही किताबा लिखिया हैं। सोहन सिंह सीतल लिखता है कि रावी ते ब्यासा दे दरमियान ये लुटमार करता हुंदा सी, जिहड़ा कि बिल्कुल गलत है। मैं तुरया नहीं गया, मेरे खून ने वाला खादा। मैं उन्होंने चिट्ठी पाई, वो चिट्ठी वापस आ गई और चिट्ठी ते लिखा हुआ सीगा कि सोहन सिंह सीतल जी दा देहांत हो गया। शाह आलम ने जिस तरह अवतार सिंह ने दसिया, हाँ उसने नजराना, चार तोपा, 12 पीलर और ताजपोशी वाला जी सेल है वो जस्सा सिंह रामगढ़िया दिती सी। आलू वाली तो उत्थे सीगा ही नहीं, मेरी बुक में अच्छी तरह बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखी हुई गल है, ये पढ़ लैनी। मैं होर भी किताबों में वेरवा तुम देवगा। मैं गुरुद्वारे को किताबा अपन दे चलिया हाँ जिड़िया कि लाइब्रेरी में होनगियाँ, और जे किसी को चाहिए हो मेरे तो घर आके कोई लै सकता क्योंकि मेरा एड्रेस तो मेरा टैलीफोन इन बुक सारिया बच्चे है। प्लीज़ एक गल जरूर अपने ध्यान से रखनी, इन बुक लिखण से बहुत ज़्यादा मेहनत आँदी है, मेरे बहुत साल की यह मेहनत है और लखा रुपया मेरा खर्चा है जरा मैं अपने को किया है। जस्सा सिंह रामगढ़िया 1803 उन्हों का देहांत हो जाता है। और होर अवतार सिंह ने जी गल आखी है उस भी मैं सहमत नहीं हाँ। जस्सा सिंह रामगढ़िया के दो लड़के सन, बड़ा जोत सिंह से छोटा वीर सिंह से। जोत सिंह के घर कोई औलाद नहीं सी, वीर सिंह की औलाद अजे भी आ रही है। जोत सिंह दे अकाल चलाने करन तो बाद महताब सिंह खुशाल सिंह का लड़का, दीवान सिंह तारा सिंह का लड़का अते वीर सिंह, इन तेह के दरमियान मिसलदार होने का झगड़ा शुरू हो गया। रणजीत सिंह ने इन तेह लाहौर सद्या और आख्या कि मैं थोड़ा समझौता कर दिना हाँ। महताब सिंह और वीर सिंह छोटी छोटिया जगीर लैन मन गए, लेकिन दीवान सिंह अड़ गया, कहन लगा कि साढ़े घर का जो भी साडा लड़ाई झगड़ा है भरावान का, तू कौन हुंदा है कि साढ़े इस लत अड़ाउण दा। तो रणजीत सिंह जिन्हों वार बार आख्या जाता कि कभी फांसी नहीं किसी दिंदा सी, मैं इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की और ये बिल्कुल गल सच है कि वह किसी फांसी नहीं दिंदा सी, लेकिन वह की करता सी, किसी की लत कट दिंदा सी, किसी की बांह कट दिंदा सी, किसी की अख कट दिंदा सी। दीवान सिंह दी अखा कढ़न का उसने हुक्म दे दिता सी, ये सी कैरेक्टर रणजीत सिंह का। मैं पहला तीन किताबा इंग्लिश में लिखिया हैं महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया ते, मैं बहुत सारे टैलीफोन आ रहे थे कि बिल्कुल जी कि असी तो एक किताब पढ़ ली है लेकिन माता पिता जी जो चाहते हैं कि पंजाबी हो गए, तो फिर ए मेरी हूँ किताब आई है जी मैं पंजाबी लिखी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है महाराज जस्सा सिंह रामगढ़िया जी। इस तो बाद मेरा ध्यान गया ब्रह्म ज्ञानी भाई लालो जी, जिन्हां दी भी इतिहास इन्हों का तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, हमेशा गरीब आख्या जाता है। अज तो 550 साल पहला पक्के मकान च रहिंदा सी, घर च खूह ही सी, 8 एकड़ जमीन का मालिक सी, 1 एकड़ विच अमरूदा का बाग सी और वह गरीब सी। ये लिखते हैं कि वह गरीब सी। ये भाई लालो जी का वैसे असली नाम लाल चंद कटोड़े सी, लेकिन वह भाई लालो के ना ही मशहूर हुए हैं क्योंकि गुरु नानक देव जी कलयुग के अवतार जो उन्होंने घर गए तो उन्हें लालो कह के संबोधन किया, इस करके वह लालो के नाँ से ही वह मशहूर हुए हैं। उन्होंने पिता का नाँ जगत राम से, उन्होंने माता का नाँ गौरा से, उन्होंने पत्नी का नाँ पार्वती सी, उन्हां दी एक छोटी जी बेटी सी उसका नाम रजनी सी। गुरु नानक देव जी दियां ईस्ट वैसट पूर्व ते पछम दियां दो उदासियां दे विच भाई मरदाना जी गए उन्हां दे नाल, ये दोनों उदासियां काफ़ी लंबियां सन, खासकर पूर्व दी उदासी बहुत लंबी उदासी सी।
तो हजे तक किसी ने यह गल नहीं दसी जी कि मैं खोज करनी पई उत्तर और दक्षण की उदासी दे विश्व एक उन्होंने रामगढ़ तो नहीं उन्होंने तरखाणी कहा जाता सी उन्होंने ठोके कहा जाता सी हसू ना का व्यक्ति सी जिहड़ा कि साडी बरादरी का सी ओह अते दूसरा शिया टोंक भाव शीम्बा ये दोनों उदासियों विच नाल गए सन। अजे ताईं किसी ने नहीं यह दस्या मैनू बड़ी खोज करनी पई इस चीज़ वास्ते कि नॉर्थ और साउथ दीयां दो उदासियों दे विच गुरु नानक देव जी नाल ये दो व्यक्तियां सन। इस करके मैं आख्या मैनू बहुत टाइम लगा बुकां ते लिखण वास्ते। एक दिन मैं गुरु घर विच बैठा सां ते ढाडीए आए हुए सी ओ भाई लालो तो वह कुछ बोल रहे सन तो आखन लगा कि जदों गुरु नानक देव जी भाई लालो दे घर गए घर च बलूणा बलूणा मतलब हुंदा है कि लूण तो बगैर बलूणा साग सी और घर विच आटा नहीं सी ते घरवाली नूं फिकर पै गया कि इन्हां महापुरशां नूं मैं रोटी कित्थों खिलावां की। देखो किस तरीके दे नाल व्यवधि करदे ने लोग किस तरीके दे नाल के रामगढ़िया बरादरी ना इन्नी ईरखा करते हैं मेरे तो ये गल्लां झड़नी हुंदियां मेरा खून खौल पैंदा है जदों मैं ये गल्लां सुनदा हाँ। मैं उसनू फतेह बुला जदों उहदा प्रोग्राम खत्म होया मैं फतेह बाहर जाके उहनू फतेह बुलाए और मैं आख्या कि ज्ञानी जी तुहानू भाई लालो नाल इन्नी ईरखा क्यों तो उसका जवाब जी सी ना तुसीं भी सुन के हैरान हो जाओगे कहन लगा कि जट्टां दा गुरद्वारा जे इत्थे लालो दी सिफतां कीतियां सानू इन्नी धक्के मार के बाहर कढ देना है यही प्रोग्राम जो तखाणा दे हुंदा तां असीं सिफत कर देनी सी। आ देखो ना उन्होंने ख्यालात कहो जिहे ने। संत सिंह मस्कीन बहुत वड्डे इतिहासकार जां फिलोसफर होए हन उन्हां दी एक बुक है मेरे चोणवे लैक्चर ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ 126 ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਖੂਹੀ ਸੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 22 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਉਹ ਹੋਟੈਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਦੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਲਾਲੋ ਕੀਲੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੌਥੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਇਸ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਜੋਧੇ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕਾਪੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਕੋਣਾ ਪਾਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਆਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਗਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
कविता द्वारा निहाल करेंगे। ठीक है, समा काफ़ी हो रहा है, पर गुरप्यारी साध संघ जीओ ये 300 साल मना रहे हाँ, 400 साल तक किसी ने नहीं पहुँचना। सो आप खुश नसीबी है कि आप 300 साल मना रहे हाँ। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। इतिहास बारे बहुत कुछ बोलिया गया, तो आओ मैं सीधा अपनी कविता वाल जाना कि उस महान योधे महाराजा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया दे जीवन दे विच कुछ पढ़िया कुछ सुनिया इतिहास उहदे कविता तुहाडे सामने पेश करन लगा। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया पे अणखी सूरमा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम की आन ते शान सी ओ गंग कौर की कुख सलखनी सी तेरे जिहा सी जिसने लाल जाया भगवान सिंह ज्ञानी की बंदगी नू परवतगार ने राजमा भाग लाया कलगी वाले ने बाबे हरदास सिंह नू शिकाया अमृत ते बाणी दे लड़ लाया सेवा सिखी दी पंथ नू मुख रखिया अकाल पुरख दा सदा ही गुण गाया उहदे नां दी चर्चा सी मुगल कर दे दलेर सूरमा जोधा बलवान सी ओ अणखी सूरमा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम दी आन ते शान सी ओ अर्ज कीता भई जुलम जबर खिलाफ ही लड़न खातर बिजली वांग सी लिशकी शमशीर तेरी जीवना अणखना मरना धर्म बदले अपनी फौज लई खिची लकीर तेरी कदे पंथ नूं आंच ना आउण दित्ती जमीर टुंबवी जशीली तकरीर तेरी खालसा पंथ सर्वोत्तम मन्या सी एही कर्म ते एही तकदीर तेरी ओ जिहदा नां सुण के दुश्मन कंबदे सी जोश भरिया फरतीला जवान सी ओ अणखी जस्सा सिंह सूरमा रामगढ़िया सिख कौम की आन ते शान सी ओ राम रौनी तो रामगढ़ सी बनिया रामगढ़िया की मिसल बनाम दा तू चढ़दी कला विच रहण दा बल पाया एक ओंकार नू सदा ध्याम दा तू भई जित्तां हारां दे फैसले करे किस्मत सच्चे रब दा शुक्र मनाम दा तू जबरदस्ती कर बन के लै तुरते बेचारियां टक्कां नू आप छडाम दा तू देश प्यार दा जज्बा सी दिल अंदर रहम दिल वाला मर्द इंसान सी ओ अणखी सूरमा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम की आन ते शान सी ओ अगे लिखिया जी भई प्रकाश दाड़ा ते कुंडल मशहरिया नू सोहणे चेहरे ते नूर जलाल दगदा प्रकाश दाड़ा ते कुंडल मशहरिया नू सोहणे चेहरे ते नूर जलाल दगदा जरनैल सूरमा तू फौजी बहादुरां विच ओ जिवें लाड़ा कोई विच बरात फबदा सुन घोड़े दियां टापां दिल सहम जांदे मैदाने जंग विच जिवें कोई शेर गजदा बचपन वेले सी सिरां दे मुल पैंदे अंतम समें सिर सिखां सिर ताज सजदा जवानी जोश नू जवानी जोश ते जुस्सा फलाद वर्गा जुलम वास्ते कैरी तूफान सी ओ अणखी सूरमा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम ते आन ते सिख कौम दी आन ते शान सी ओ भुल के आपसी शिकव्या गुस्सिया नू हुकम पंथ दा दिलां विच तारिया सी अखीरला बंद है जी कविता दा भुल के आपसी शिकव्या गुस्सिया नू हुकम पंथ दा दिलां विच तारिया सी जानों वध प्यारा पंजाब ते पंथ पंथक रीतां नू सदा सत्कारिया सी भई जिहड़ा शरण आया गया बख्शिया ओह हुलिया मौत दा दुश्मन लई तारिया सी लाल किला जो दिल्ली दा दिल जित के पंथक दसे पंथक जथेदारां केसरी चाड़िया सी सिख राज नू थम ला खड़ा कीता नछत्र भोगल कहे जरनैल महान सी ओ अणखी सूरमा जस्सा सिंह रामगढ़िया सिख कौम दी आन ते शान सी ओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु चरणों विच जुड़ बैठे गुरु साहब जी दी लाडली ते प्यारी साध संगत जी गज के बुलाओ फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा तखलस है कंधालवी ते गोत है मेरा भूई रामगढ़िया के गुरद्वारे च हमेशा ही मेरे नाल इदा हुंदी है मैनू अगले होर किसी बरादरी समझिए टाइम ही नहीं देंदे पहला वो कहिंदे भी अपने बंदे भुगता लो पहला जे बच गया तो टाइम दे देंगे इहनू ते अज तो नोट कर लो साडा गोत मेरा भूई आ
ਕੰਧਾਲਵੀ ਗੋਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੰਧਾਲ ਜੱਟਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਧਾਲਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਰਿਹੋ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਬਾਰੇ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁੰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, 80-85 ਬੰਦੇ ਬੁੰਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌੜਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਈਥਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਜਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਟਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰਵਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2-3 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1,00,000 ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਢਾਓ, ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਟੋਕਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟੋਕਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਲ ਜਿੱਥੇ ਬੌਲੀ ਆ ਉੱਥੇ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਟੋਕਰਾ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਕ ਕੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾ ਢਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਰੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ 1:30 ਵਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਛਾ ਹੁੰਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟੇ,
उल्टा पुलिस ने भी उन्होंने केस बनाते वो बाद जोड़ा बंदा हम इधरों गया तुसी तरीका नहीं भुग सकते उत्थे उन्होंने बंद ने उन्हों की सुननी है तुहाड़ी नहीं सुननी उत्थे किसी ने मैं चुप करके कन्न लपेटे तो मैं उतों आ गया मैं इतने केड़ा तरीका भुगतता रहूगा छोड़ो इन्हों सो मैं होर भी बहुत लोगों ने दस्या मैं कई बार कई बंदे मिलते हैं क्योंकि असी समाज में विचरते हाँ इस करके बहुत लोगों ने गलत बात होंगे लोग अपना अपना दुख रोते हैं जिन्हों जो उसे एक्सपीरियंस होंगे तो भी होगा हूँ गल चलती है कि उन्होंने राह जोड़ा है दिता जाएगा एक बार मैं बड़े औखे हो के उन्होंने वो जिंदा खुलवा के ये बात की गल तो दोबारा फिर मेरी सिस्टर भी नाल सी मेरे वो दसा नहीं ना भी चाबी है कि उस दरवाजे की उदो मैं सिख चैनल पर काम करता सी जो मैं डरावा दिता ना मैं क्या थोड़ा जलूस कढ़ांगे उत्थे जा के फिर उन्होंने बंदा भजाया वो चाबी लैके आया जिंदा खोलिया फिर थले तक वो सारा मतलब देख के बंदा जिन्होंने अजे तक नहीं देखा मैं तुम्हें बेनती करूँगा जरूर रामगढ़िया बुंगा से जाके दर्शन करो थले तक जाके कि सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया का जरा आर्कीटेक्चर नॉलेज से वह पता लगेगा कि उन्हों का कि मतलब नॉलेज सी इस मतलब फील्ड के उन्होंने दरबार साहब की राखी वास्ते वह बुंगा क्यों बनवाया सी ए बुंगा जड़ा हैगा ये भी ढह जाना सी हुणे भी हिस्ट्री सुन लो मेरे को शायद आप जी ना पता होए ए बुंगा भी ढह जाना सी जे दो बंदे ना खड़े होंदे वो कौन सी दो बंदे एक सी अजीत अखबार के बानी सरदार साधु सिंह जी हमदर्द दूजे सी सरदार त्रिलोचन सिंह जी जिहड़े कई साल माइनोरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे आ इन्हां दो बंदियां ने नाल होर बंदे लाए तो इन्होंने रौला रप्पा पाया तो फिर ये बुंगा टैणों बचिया सी नहीं तो यह भी गया सी इहदे पिछे बहुत कुछ है जी मैं कहना चाहां तो जात बरादरी वाली इत्थे गल आ जाणी आ क्यों तुहाडा बुंगा टाउणा चाहुंदे अगले वो नहीं चाहुंदे वी तुहाडी कोई बहादरी दीआं गल्लां करे तुहाडे कोई जिहड़े बजुर्ग होए ने जिन्होंने एडियां मल्लां मारियां उन्हां दी कोई गल करे वो इन्हां दी गल ही नहीं होण देणी चाहुंदे हो क्यों नहीं राह दिता गया इन्ने साल ता कि ना कोई जाके बुंगा इन्हें देखे ना किसी को पता लगे भी इन्होंने की कारनामे इन्होंने बजुर्गों ने है बहुत लंबिया कहानियां जिस तरह बिलखू साहब ने कहा ना कि खून खौलदा आ खून खौलदा साडा भी लो जी मैं कविता लगन शुरू कर मैं अखीरला बुला रहा तो जे मैं एक दो मिनट वाधू लै जावां तो मैनू माफ़ कर दिओ पे सिफत करा कि मैं जस्सा सिंह सरदार दी वड जोदा पर उपकारी मां दा जाया शाह सवार मालक वड्डियां फौजां दा चीर दल वैरी दे जिधर नू ताया जंगा युद्धां दे ओ जाने सारे पेंतड़े हर हथियार सी खूब उन्हें अजमाया हमले दुश्मन दल दे किंजने रोकने जाल किलियां दा फिर उन्हें बछाया शायद आप जी इस गल का ना पता हो 360 किले बनाए से उस इलाके कांगड़े तक महाराजा जस्सा सिंह 360 किले बनाने कोई खाला जी का वाला नहीं सी पर वो नहीं सांभे जा सके अज किसे किसे किले दे थोड़े बहुत थे दे निशान बचे है नहीं तो बाकी सब कुछ जिहड़ा हैगा वह इतिहास के पन्नियां विच गुम गया मलिया मेट हो गया अबदाली बन लै चलिया बहुआ बेटियां हल्ला कर सिंगा ने उना ताई छड़ाया अबदाली कहिंदा मैनू दो जसियां ने मारिया इना दोहां दा मैं भेद कदे ना पाया उठ उठ अद्धी रात नू चीका मारदा कहिंदा जस्से ठोके ने है आन मैनू जगाया तूड़ चढ़े आकाशी जद शेर मैदाने गजदा वैरी दल नू ओने गिदड़ा वांग पजाया जस्सा सिंह सरदार योदा सिर लथ सूरमा थापड़ा आप गुरु ने उस योदे नू लाया
दूर अंदेशत सुलझिया नीतिवान ओ, दूर अंदेशत सुलझिया नीतिवान ओ, औकड़ वेले ओ कदे भी ना घबराया। गुजे पेदल बन लई दुश्मन फौज दे, हथ मुगलां दे नाल ओ सिमड़ाया। माझा मलिया फिर रामगढ़िए सरदार ने, तुरा राज पाग दा माझा उस बनाया। दुश्मन तो राखी करन लई हर मंदर दी, रब दे नाम ते किला उस बनाया। खुश होके बख्शी पंथ ने पदवी उसनू, बब्बर शेर पंथ दा किलेदार अखवाया। दिल्ली मार लई फिर सरदारा योधिया, लाल किले ते जा झंडा लहराया। जेड़ी सिर तो फुरमान मुगल सी देम दे, बब्बर शेरो सेली पुट लियाया। लिया रखी चरना विच गुरु रामदास दे, विच मिट्टी दे जुल्मी राज मिलाया। योदा नहीं सी सिर्फ मालिक कोमल पावां दा, कविता रचन दा हुनर भी उस पाया। रहिंदा विचर जादे हिम्मत कदे ना हारदा, अठे पैर उन्हें हरी नाम नू त्याया। अखीरला बाबा जी, मनाइए संगत जी तीजी उदी शताब्दी, साडे पागां विच वे दिन अज दा आया। अंदर आपो अपने चाती असी भी मारिए, गुणे ओदा कोई की असा ने भी अपनाया। अंदर आपो अपने चाती असी भी मारिए, गुणे ओदा कोई भी असा ने अपनाया। एसी जी कविता दे कुछ बंद। एक बारी फिर प्रबंधक कमेटी गुरु साहब जी दा कोटान कोट धन्नवाद है। तो बहुत बुलारे सारे बहुत वधिया गल्लां करके गए ने। इको ही गल मैं अखीर विच कहनी है कि आपां सिख पंथ दे विच शामिल होइए, जातां बरादरियां तो उच्चे उठीए। ये भी नहीं आपां भुलना कि आपां कित्थों आए हैं, लेकिन असीं सर्व सांझी वाल जो सानू गुरु साहब ने वह सिखी बख्शी है, उस दे असीं पैरोकार बणीए, उस दा ही प्रचार करिए, उहदे आशे ते चलीए। एक बार फिर सारी संगत दा धन्नवाद। सो इन्हां लफ्ज़ां नाल दास खिमां दा जा चुका है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे सत्संग जीओ, अज आपां 300 साल जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हाँ। सुदास बेनती करता है उन्हां सारे ही कवियों पास कि वह थोड़ा अगे आ जाओ, ताकि असी उन्हां नूं सन्मानित करिए। कोई भी स्टेज तो किसी नूं अखर वादा घाटा किया होवे तो दास माफ़ी मंगता है। और तह दिल तो असी धन्नवाद करते हाँ सिख कौन सिख चैनल की संपूर्ण टीम का। भुल चुक बख्शनी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।